जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहन दो, कोई फायदा नहीं है इनका। ये नुकसान करेंगे आपका। और मैं तो आज भी इसी स्टेज पे भी ये कहता हूं कि जिसके पल्ले सामान ही नहीं बचा उससे क्या निकालोगे भैया, बताओ। है नहीं, पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी और वो हमारे खिलाफ डलवाने के लिए ली थी और फिर हमारे साथ आके बैठ गए। आज भी ये विरोधाभास है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 एमएलए जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बैठ के करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार यह है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें दूसरी तरफ ये कहें, ये नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है, वैसे तो मेरे को पता है बीजेपी के फैसले कहां होते हैं, लेकिन कोई तगड़ा हा काम कर दियो तो आपकी बात बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा हरियाणा के अंदर ये कहने से काम नहीं चलता क्या हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका आपको दिया गया है, अगर इसको संवारोगे, सुधारोगे, मजबूत करोगे, लोगों को जोड़ोगे तो पार्टी हरियाणा में भी नंबर एक पार्टी बन सकती है। लेकिन आपके यहां तो एक चीज देखी, अभी मैं रमेश कौशिक बात कर रहे थे, अरे मैंने कहा 10-10 साल हो गए हमने आए, हमने नहीं कहा भारी, मगर फिर अंदरूनी सौदा होता तो हमने लेते क्यों, अंदरूनी है तो रौड़ा है क्यों भाई मिड्डा जी, आप भी हमारी कैटेगरी के हो। एक एमएलए जीते हमारी कैटेगरी का। तो मेरा अभिप्राय ये है कि हमें मौका है और मौका देती है पार्टी, और पार्टी को मजबूत करता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को विश्वास पैदा करने वाला होता है पार्टी का अध्यक्ष, वो है नायब सैनी जी, ये आप करेंगे। और आखिर में मैं उन सभी साथियों का, जैसे कृष्ण मिड्डा जी हैं,